भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री हैं कर्नाटक में, जो बोलते कि 20 साल में हम तिरंगा को बदल देंगे। मोदी जी ने यह तय किया है वो कानून को बदलते हुए, क्योंकि कानून में लिखा गया स्पष्ट रूप से कि खादी इस्तेमाल होगी झंडा बनाने में, और मोदी जी ने कहा है कि अब हम पॉलिएस्टर भी यूज कर सकते हैं। रोज सुबह जो है मोदी जी और अमित शाह जी जगते हैं, बोलते कि आज देश का क्या बेचना है। आरएसएस ने अपने मुख्यालय में कभी तिरंगा नहीं फहराया, और इतने बेशर्म है बीजेपी के लोग कि जब हमारे कांग्रेस की यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 26 जनवरी 2001 में जब झंडा फहराने आरएसएस मुख्यालय में झंडा फहराने की कोशिश की, उनके ऊपर केस किया। अब देख लीजिए 2006 का योगा डे का फोटो। अब कोई गमछा वमछा नहीं मिला था तो तिरंगा लेकर के जो पसीने पहुंच लेंगे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी के पास और कोई गमछा नहीं मिला क्या? देशद्रोही है, मैं बता रहा हूँ, इनके डीएनए में, क्योंकि इनको कभी मतलब ही नहीं था देश से। आप देश को अपमानित कर रहे हो कि देश जो है बीजेपी के नीचे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय में आप देख लीजिए। और ये गलती नहीं हो रही है क्योंकि इनको मतलब ही नहीं है झंडा से। ये ढोंगी राष्ट्रवादी सत्ताधारी पार्टी के एक और उदाहरण आपके सामने हम पेश करेंगे। चीन चीना चीना अब तेरे बिना चैन कहीं दिल पे आया ना, चीन चीनी चीना। ये आंटी नंबर वन का एक गाना है। अब आप अंकल नंबर वन और अंकल नंबर टू के ऊपर भी ये गाना लगा सकते हैं। एक बार फिर, चीन 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 चीना चीना अब तेरे बिना चैन कहीं दिल पे आया ना, चीन चीने चीन चीना चीना। तो अंकल नंबर वन और अंकल नंबर टू तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आजकल बोलने पर जो है कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह से इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रतीकों के ऊपर जिस तरह से हमला की जा रही है, उसमें अब तिरंगा भी शामिल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री हैं कर्नाटक में, जो बोलते कि 20 साल में हम तिरंगा को बदल देंगे। ईश्वरप्पा 20 साल में देश के जो है तिरंगा को वो बदलने के लिए उन्होंने एक योजना शुरू कर दिया है बीजेपी के। इस देश में झंडा हुबली के खादी ग्राम उद्योग संगठन संघ द्वारा सिर्फ बनाई जाती है। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि पूरे देश में तिरंगा का जो है सरकारी कार्यक्रम में अगर उसको आप इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ एक ही जगह जो है यह झंडा बनती है। 1957 से जो है यह झंडा वहां पर ये लोग बना रहे हैं। वहां पर 250 से ऊपर कर्मचारी हैं, और उन्होंने एक संघर्ष शुरू किया है, क्योंकि मोदी जी ने यह तय किया है को कानून को बदलते हुए, क्योंकि कानून में लिखा गया स्पष्ट रूप से कि खादी इस्तेमाल होगी झंडा बनाने में, और मोदी जी ने कहा है कि अब हम पॉलिएस्टर भी यूज कर सकते हैं। और पॉलिएस्टर के जो हैं बड़े बड़े लोग के नाम तो आप पहले से ही जानते हैं। और हम लोग को लगता है कि रोज सुबह जो है मोदी जी और अमित शाह जी जगते हैं, बोलते हैं कि आज देश का क्या बेचना है। शुरू करते हैं एयरपोर्ट से, फिर कभी जो है बंदरगाह से। मोदी जी और दोनों सुबह जगते हैं और अमित शाह जी शुरू करते हैं कि आज इसको बेच दो, इसको बेच दो। कभी ट्रेन लाइन बेच देते हैं, कभी रेलवे लाइन बेच देते हैं। अब जब जो है पूरे भारत की संपत्ति की कबर्ड जब खाली हो रही तो इनके ऊपर नजर झंडा पे पड़ गया। अब झंडा को भी जो बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप इंपोर्ट करोगे पॉलिएस्टर से। और कहां से आएगी पॉलिएस्टर? चीन से। क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि चीन के साथ हमारा पुराना नाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो आप जानते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने आपको के बारे में तो आपको जानकारी है कि पूरी तरह से चीन से बन के आई। अब तिरंगा का कपड़ा भी जो है, इनके हमारे दो श्लोक के अलावा चीन के उद्योगपति को भी फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने कानून में संशोधन लाया है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। हाँ, उससे पहले आप सब लोग को मालूम है कि स्वतंत्रता संग्राम में तो आरएसएस और बीजेपी और हिंदू महासभा के किसी तरह का योगदान नहीं था। बावन साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय में कभी तिरंगा नहीं फहराया, कभी नहीं फहराया। और इतने बेशरम है बीजेपी के लोग कि जब हमारे कांग्रेस की यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 26 जनवरी 2001 में जब झंडा फहराने आरएसएस मुख्यालय में झंडा फहराने की कोशिश की तो उनके ऊपर केस किया। और अब गलती क्या थी इन नौयुवकों का कि इन्होंने आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा फैलाने का कोशिश किया। केस किसने किया? आरएसएस ने। तो जिस पार्टी में दूर दूर तक स्वतंत्रता संग्राम से कोई संबंध नहीं रखता है, हमेशा तिरंगा को उन्होंने अपमानित किया है। अब ये जो है खादी को भी खत्म करने के लिए इन्होंने ठान ली कि खादी उद्योग को भी इस देश में पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। खादी उद्योग से संबंधित करीब 1.5 करोड़ कर्मचारी हैं, 1.5 करोड़, 10 करोड़ के आसपास परिवार उससे संबंध रखते हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ अगर हथकरघा हैं तो इसका मतलब है कि 10 करोड़ लोग के ऊपर जो है मोदी जी ने गरीब लोग के ऊपर बीजेपी ने सीधा हमला किया है। अगर देश के 75वीं स्वतंत्र दिवस के नाम पर मोदी जी ने ऐलान किया कि घर घर तिरंगा, उनका कहना था कि घर घर चाइना, क्योंकि पॉलिएस्टर है चाइना से, तो घर घर चाइना को बेचने का जो काम मोदी जी कर रहे हैं। और चीन के साथ क्या प्रेम है इस पर तो हम सक्षम नहीं उनसे पूछने के लिए, लेकिन जो चीन हजारों किलोमीटर हमारा जो है भारत माता की जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है, जिस चीन के साथ $93 अरब के ट्रेड डेफिसिट चल रहे हैं और सिर्फ ऐप को बैन करके मोदी जी खुश हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बादी के रास्ते में ले जा रहे हैं। मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं। आप देख लीजिए 2006 का योगा डे का फोटो है। अब कोई गमछा वमछा नहीं मिला था तो तिरंगा लेकर के जो पसीने पहुंच लेंगे प्रधानमंत्री जी। आप बताइएगा कि देश की तिरंगा को, जब तिरंगा पुराना होता है तो आप उसका डिस्पोजल का तरीका, या तो उसको जमीन पे जो है उसका बेरियल कीजिए या उसको जलाइए, उसका भी तरीका जो है कानून में है। और उस तिरंगा को जो है मोदी जी क्या करते हैं, मुंह पहुंचने के लिए। यार, प्रधानमंत्री जी के पास और कोई गमछा नहीं मिला क्या? आप दूसरा फोटो देख लीजिए। देशद्रोही है, मैं बता रहा हूं, इनके डीएनए में, क्योंकि इनको कभी मतलब ही नहीं था देश से। दूसरा है कि कल्याण सिंह जी के जो है पार्थिव शरीर के ऊपर तिरंगा है, उसके ऊपर किसका झंडा है? तिरंगा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का फोटो है। भाई साहब, आप देश को अपमानित कर रहे हो कि देश जो है बीजेपी के नीचे है। तीसरा देख लीजिए, यह कपिल मिश्रा जी है। 2020 में तिरंगा जो है लहराते हुए गोली मारो, गोली मारो, बीप गोली मारो, शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं पीसी में, गोली मारो, बीप गोली मारो, यह है तिरंगा के लिए किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और इनकी असली मानसिकता भारतीय जनता पार्टी का जो है, मध्य प्रदेश में कार्यालय में इन्होंने अपने जो असली चेहरा दिखा दिया कि तिरंगा जो है बीजेपी के झंडे के नीचे है। ये स्वतंत्रता दिवस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप देख लीजिए, और ये गलती नहीं हो रही है क्योंकि इनको मतलब ही नहीं है झंडा से, मतलब ही नहीं है आजादी से, सिर्फ व्यापारी है। देश भर में कर्नाटका ग्राम खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ के द्वारा आंदोलन शुरू की जा रही है, कांग्रेस पार्टी उसकी पूरी तरह से समर्थन करती है। 30 जुलाई को एक ध्वज सत्याग्रह इस संगठन के द्वारा की जा रही है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कर्नाटक के खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ के जो भी राजनीतिक कार्यक्रम है, देश के तिरंगा और को बचाने के लिए जो भी कार्यक्रम वो धरातल पर लाएंगे, हम उसका समर्थन करेंगे, कंधे पे कंधे खड़े होकर उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया है कि तिरंगा मोदी जी के लिए एक गमछा है, खादी मोदी जी के लिए जो महात्मा गांधी का एक प्रतीक है, खादी जो कोई मायना नहीं रखता। मोदी जी बोलते हैं बी वोकल अबाउट लोकल, मुझे लगता है कि वो लोग शंघाई के लोकल हैं इसलिए बोलते हैं कि बी वोकल अबाउट लोकल। चीन से आ रही है कपड़ा, तो एक और उदाहरण हमने आप सब लोग के सामने पेश किया कि जो भारत माता की जो असली प्रतीक है, चिन्ह है, जो देश के नागरिक, करोड़ों नागरिक के लिए जो है एक आस्था का मामला है, उस पर बीजेपी किस तरह से लगातार हमले करते जा रहे हैं।